मंडला जिले के अंजनिया बाईपास नेशनल हाईवे 30 पर आए दिन हो रहे दुर्घटनाओं की वजह से ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी नाराजगी के चलते नागरिक मंच ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नाम से नायब तहसीलदार को ज्ञापन देकर शासन से मांग की गई कि जो नेशनल हाईवे 30 अंजनिया बाईपास दो राज्यों को जोड़ती है, वहां पर आए दिन ढलान की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। यहां पर सैकड़ों जाने जा चुकी है, कई बार यहां ओवरब्रिज की मांग ग्रामीणों के द्वारा उठ चुकी है, पर प्रशासन चुप्पी साधे बैठी है। शासन और प्रशासन के इसी रवैये की वजह से कई मासूमों की बलि ले चुका है। अगर समय रहते प्रशासनिक अमला नहीं चेता तो ना जाने कितनों के घरों को ये सड़क उजाड़ेगी। कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो नागरिक मंच के हैं ओवरब्रिज की फ्लाईओवर की मांग की जा रही है यहाँ पर, और इसके लिए धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से किया जा रहा था और साथ ही में ज्ञापन भी दिया गया है मुझे। इस समस्त मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए मैं इस ज्ञापन को संबंधित प्रशासनिक और शासन के जितने हमारे पदाधिकारी हैं उन तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी और इस संबंध में जो कुछ भी बेहतर शासन की तरफ से हो पाएगा शासन द्वारा निश्चित रूप से किया जाएगा, इसका भी आश्वासन निश्चित रूप से दिया जाएगा। यहाँ पे जब से ये NH 30 का निर्माण हुआ है तो आए दिन यहाँ पे वाहन की दुर्घटनाएं हो रही हैं। पहले भी यहाँ बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हो चुकी है, 25-25, 30-30 मवेशी एक साथ यहाँ पे काल के गाल पे समा गई ट्रकों की दुर्घटना होने के कारण, जनहानि भी हुई है और अभी पिछले हफ्ते भी यहाँ पे प्रतिदिन एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई और यहाँ पे जो है इधर उधर आइट साइड में गाड़ियाँ जो है एक्सीडेंट हो गई। और इस रोड की जो तकनीकी गड़बड़ी है कि यहाँ पे दोनों तरफ से जो है बीच में ढलान है और ये चौराहा है और दोनों तरफ से ढलान होने के कारण गाड़ी की स्पीड एकदम बढ़ जाती है और यहाँ जैसे ही ब्रेक मारते हैं नियंत्रित होकर गाड़ी कहीं ना कहीं घुस जाती है और उससे जनहानि होती है और जनधन की हानि होती है। इस बात की हम लोग यहाँ पे मांग के लिए धरना प्रदर्शन किए थे कि यहाँ ओवरब्रिज का निर्माण होना चाहिए, जो कि एकदम से दोनों तरफ से ढलान है और ये चौराहा है, तो यहाँ चौराहा पे अगर ओवरब्रिज का निर्माण हो जाए तो जो ढलान का लेवल है वो भी ठीक हो जाएगा और नीचे से जो गाड़ियाँ हैं और मवेशी और लोकल जो जाने वाले हैं उनका आवागमन नीचे से हो जाएगा चौराहा से अहमदपुर और बंजी तरफ के लोगों का और मान तरफ के, तो हाईवे में आएंगे नहीं उन लोग, तो इससे दुर्घटना के जो है बहुत कम नगण। बिछिया से राज कौशिक की रिपोर्ट।